एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनाली। तो आज का वीडियो है पूरा कॉफी लवर्स के ऊपर, क्योंकि मेरी तो मॉर्निंग होती है एक चाय के कप के साथ। मुझे तो चाय चाहिए होती है, लेकिन मेरे हस्बैंड जो नरेन हैं उनको हमेशा चाहिए होती है कॉफी। तो मॉर्निंग कॉफी और चाय की ड्यूटी उनकी है, बाकी सारा दिन का काम मेरा होता है। तो जब वो मेरी चाय बनाते हैं, साइड बाय साइड अपनी कॉफी बनाते हैं। लेकिन कॉफी, इतने बड़े कॉफी लवर्स हैं, मतलब मैं आपको दिखाऊंगी अभी किस कितने तरीके की कॉफीज मंगा चुके हैं, कितने की ट्राई कर चुके हैं। फाइनली उनकी कॉफी की जो सर्च थी वो एंड हुई, और वो कौन सी कॉफी पे एंड हुई है, लेट्स सी। तो फ्रेंड्स, वे आप अपने हस्बैंड को पकड़ के ले आई हूँ। नरेन अब आपको बताएंगे कि इन्होंने इतनी कॉफीज क्यों मंगाई और हर कॉफी के पीछे क्या प्रोज एंड कॉन्स थे। चलो शुरू हो जाओ। नहीं, ये नेस्कैफे का कॉफी जो होता है, हाँ, वो तो हर जगह हम लोग, हर फैमिली में हम लोग यूज करते ही हैं जी। तो पहले मैंने काफी साल ना इसको ही यूज किया है। नेस्कैफे के में काफी वेरिएंट है, क्लासिक है और एक नॉर्मल भी आता है, हाँ, और ये नेस्कैफे का सनराइज भी आता है येलो कलर में। या। तो ठीक है, नेस्कैफे गोल्ड भी आता है, क्लासिक है, लेकिन इसमें ना यार मजा नहीं आता, वो किक्स ही नहीं मिलती सुबह सुबह। तो ये फिर मैंने फिर छोड़ दी। और ब्रू, ब्रू भी लाइट है, लाइट कॉफी है, उसमें मजा था नहीं आता। फिर मैंने ना ये स्विगी से मंगाई, कंट्री बीन करके। तो कुछ दिन मैंने पी थी, आई थिंक कितने यहाँ पे लिख रहा है कि नहीं पता नहीं, कितने रुपए की थी ये भी, ठीक ठाक प्राइस की थी, लेकिन फिर लिखा है 325 की थी, लेकिन हाँ वो फिर मेरे को कुछ मजा सा नहीं आया, लगा कि ठीक है एवरेज है। और खाली डब्बी में मैंने नमक भर लिया। हाँ, वो घर में इतनी डब्बियां हो जाती हैं, कुछ तो करना है। तो फिर मैंने ना ये मंगाई सनबीन की बीटन कैफे स्ट्रॉन्ग। इसकी मैंने लाइट भी मंगाई थी, नॉर्मल वाली, कि ये बीटन कॉफी है। और सोनाली हमेशा बोलते हैं बीटन बीटन, ये पता नहीं क्या चीज़ है। मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं। ये तो मुझे पूरी रद्दी बंडल लगी, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। फिर इन सब जो नॉर्मल रेंज में जो आती है ना, उसमें सबसे अच्छी मुझे लगी थी टाटा कॉफी ग्रैंड। ये मैंने काफी यूज करी है, थोड़ी सी स्ट्रांग है ये, प्राइसिंग भी ठीक ठाक ही है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। 104 है शायद, 50 ग्राम का होगा, या 50 या 75 ग्राम का, 50 ग्राम का है। तो ये ठीक ठाक थी, मैंने काफी यूज करी। उसके बाद मैंने स्लीपी आउल भी मंगाई थी, वो भी मैंने थोड़े टाइम के लिए यूज करी, इतना मजा नहीं आया। फिर मैंने ये मंगाई चलो कुछ नया ट्राई करने के लिए, कोलंबियन ब्रू कॉफी डबल चॉकलेट मोका। ये हो गए शायद 4-5 महीने। लेकिन अगर कहाँ से मंगाई आपने, अमेज़न से या स्विगी से भी मिलती है, स्विगी इंस्टा? ये स्विगी से ही मंगाई थी मैंने। अच्छा, क्योंकि मुझे जल्दी चाहिए होती है, खत्म हो जाती है। ट्राई करनी है तो आप स्विगी इंस्टामार्ट से मंगा सकते हो। लेकिन मेरे को लगता है मैं अभी तक इसको ठीक से बना ही नहीं पाया हूँ। अच्छा। या ये मुझे समझ नहीं पाई, या मैं इसको नहीं समझ पाया, कुछ ऐसा ही चल रहा है। अच्छा, तो इसीलिए ये अभी तक यूज नहीं हो पाई है। बट आपको पसंद नहीं आई एक बार के यूज में? तो शायद मैं गलत बना रहा हूँ या क्या, लेकिन जो भी है, जिस भी स्टाइल से बना रहा हूँ ये नहीं बन रही। ओके, कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। ओके, फिर उसके बाद मैंने काफी जो व्लॉग्स वगैरह देखे ना, तो सब लोगों ने डेविड ऑफ लिखा हुआ था। हाँ, वेरिएंट है एक डेविड ऑफ फाइन अरोमा, एक जो दूसरा वाला मेरे पास है रिच अरोमा है शायद, और एक है एस्प्रेसो वाला कुछ है, वो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ नाम। ओके, तो ये बहुत अच्छी लगी मेरे को एक्चुअली। ये 650 है, वो भी 650 है, ये शायद 550 या 650 की होगी अगेन। okay. ये 550 की है। ओके, लेकिन इसका मुझे बहुत अच्छा लगा टेस्ट, और इसकी फीलिंग बोलो या खुशबू जो आती है, वो ऐसे लगता है जैसे आप किसी अच्छे कॉफी लवर्स, इट्स अ फीलिंग ओनली कि हाँ, हमको वो आनी चाहिए कि कहनी चाहिए कॉफी भी है तो लगना चाहिए। लेकिन कैफे में जो खुशबू आती है ना कॉफीज की, बड़ी स्ट्रॉन्ग अरेबियन कॉफीज जैसी, आई थिंक ये अरेबियन लिखा हुआ है इस पे, 100% अरेबिका। तो इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आती है, इवन आप अभी चेक करोगे तो बहुत, मतलब ऐसा लगता है प्योर कॉफी है जैसे। बट आप यही चीज ट्राई करो जैसे नेस्कैफे वाला, वो छोटा है, आप सीसीडी या स्टारबक्स में जाओ, पूरे कैफे में उनकी ऐसी खुशबू घूम रही होती है। उसके लिए ही मैंने फिर ये मंगाई, तो आजकल मैं ये ट्राई कर रहा हूँ। उसके ग्रैनुअल्स ना बड़े अच्छे लगते हैं, इतने बड़े बड़े से हैं, और जब आप डालते हो उसमें, जब उसके ऊपर से ऐसे पानी डालते हो। अच्छा, ये बताओ आप ये क्यों नहीं, पूरा क्यों नहीं रिमूव करते, कैसे कॉफी को रखना चाहिए, ये आप पूरा रिमूव नहीं ना करते हो कभी? मैं तो मतलब ये सबका अलग अलग स्टाइल है, कोई लोग फ्रिज में रखते हैं, कहीं लोग कहीं रखते हैं, जमती नहीं है उससे। लेकिन हमारी तो फ्रिज में रख के भी जम गई थी, राइट? हम पता नहीं कुछ होगी गलती, लेकिन लेकिन मैं तो इसको ऐसा करता हूँ कि मैं इसको जितना स्टीम से या गर्म चीज से दूर रखूँ ना। अच्छा, तभी ये बचती है, नहीं तो फिर इसका आप ये निकालना मत पूरा कवर कभी भी, ये पूरा का पूरा रखो, जितना छोटा होल कर सकते हो उतना करो, क्योंकि उससे इसका मॉइस्चर नहीं जाता इसके अंदर। और ये ज्यादा फ्रेश वगैरह भी नहीं डालना चाहिए, गीला स्पून या स्टीम वाला स्पून नहीं डालना बिल्कुल भी।
He's very particular about this, तो मुझे special instructions मिली हुई हैं, तो I thought कि मैं आपके साथ भी share कर दूँ। चलो फिर बनाते हैं फिर कॉफी। चलो, तो सबसे पहले kettle में गर्म पानी करने रख देते हैं और कप निकाल लेते हैं जिसमें हम बनाएंगे। सबसे पहले हम गर्म पानी डालेंगे, उसके बाद कॉफी डालना है आपको। आप कैसे भी कर सकते हो। नहीं, फिर मॉइस्चर वाला बात हो जाएगा ना, वही आपने बोला। वो स्पून से अलग कर लो उसको, स्प्रिंकल करके आप स्पून पे डाल लो, मतलब जैसा मर्जी चाहो। ओके लेकिन इन मीनवाइल हम ये देख सकते हैं कि इसमें क्या है। ये जो है ये है मिल्क पाउडर, आई थिंक एवरीडे करके आता है। हाँ, तो वो मैं लेके आता हूँ कि मिल्क में मेरे को सुबह सुबह बनाना बहुत आलस आता है, तो आपने होटल्स में देखा होगा ना वो सैशे दे देते हैं, तो मेरे को तो उसी से आइडिया लगा कि यार ये सही कॉन्सेप्ट है। और दूसरा ये स्टीविया जीरो कैलरी वाला है, वैसे तो ये मिल्क पाउडर से हो जाती है अच्छी काफ़ी मीठी, लेकिन फिर भी कभी मन करता है ना कि थोड़ा और होनी चाहिए, होना चाहिए, या कभी मैं डायरेक्ट पूरी ब्लैक कॉफ़ी लेता हूँ तब मैं इसको यूज़ करता हूँ। ये चीनी बिल्कुल भी नहीं लेते हैं तो इसलिए स्टीविया लेते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल शुगर से भी कर सकते हो। फिर आपको बीट करना पड़ेगा, लेकिन उसको घोलना अच्छे से पड़ेगा चीनी को। हाँ, वो टाइम लगेगा। ये तो चलो, अब गर्म पानी हो चुका है, तो इतना क्वांटिटी लिया है मैंने, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लो जितना स्ट्रांग चाहिए। और अब हम यहाँ इसमें डाल देंगे, अब ये जो स्पून है ना, ये देखो पूरा स्टीम से भर गया है, तो ये आपको दोबारा उसमें नहीं डालना है डब्बे में। इस तरीके से आप अपनी कॉफी को बचा सकते हो। अब इसके अंदर डालेंगे मिल्क पाउडर। ये भी स्टीम से बचाना है, ये भी दूर रखना है। तभी मैंने न्यू ले लिया स्पून फोक कुछ भी। इतना डालो और डल जाएगा उसे। थोड़ा सा और इतना। अभी इसमें मीठे की जरूरत नहीं है, अभी ना डालो, जरूरत पे ही चाहिए तभी डालो। मैं पी के दिखाती हूँ, बिकॉज नरेन की एक ही कंडीशन है कि कैमरे के सामने मैं नहीं आऊंगा। थोड़ा बिटर टेस्ट है मेरे लिए, थोड़ी कड़वी है। हाँ, तो स्टीविया डालो। हाँ, आई थिंक ये भी ज्यादा ही लग रही है। आई थिंक अब बस 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 पहले ट्राई कर लो। पहले कुछ स्मेल वगैरह कुछ खुशबू है, या मतलब तुम्हें वही नेस्कैफे वाली फील आ रही है। खुशबू तो बहुत अलग है, बहुत ही अलग सच में। डबल द प्राइस है तो कुछ तो वैल्यू फॉर मनी है ही है। आई थिंक क्या नाम है उसका, रिच अरोमा ही है ना। yeah. तो अरोमा तो होनी चाहिए। करेक्ट, ये दूध वाली से अच्छी लग रही है तुम्हें, या फिर तुम्हें लगता है कि दूध वाली तुम अच्छी बना सकती हो इससे। एक्चुअली मेरी पर्सनल लाइकिंग तो फ्रॉथ वाली होती है, तो मेरे को वो बीट करके जो बनाते हैं चीनी डाल के और उसमें झाग, तो मेरे को वो वाली ज़्यादा पसंद आती है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ आपको आइडिया मिला होगा। मैं तो कहूँगी आप भी एक बार डेविडॉफ की कॉफ़ी ट्राई ज़रूर करो, और कमेंट सेक्शन में लिखो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।